पापा 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 पापा। आज भी याद आते हैं बचपन के वो दिन जब आपने मेरी उंगली पकड़ मुझे चलना सिखाया। जिंदगी में इस तरह चलना सिखाया कि हर कसौटी में आपको अपने करीब पाया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे पापा है। जब भी मुझसे कोई ये पूछता है कि पापा आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, डैड यू मीन द वर्ल्ड टू मी। शादी से पहले मेरे पापा हर वक्त हर मोड़ पर मेरे साथ रहे, चाहे बात हो स्टडीज की या नौकरी की, वो हमेशा मेरा मॉरल सपोर्ट बनकर सामने आए। छोटी से छोटी अचीवमेंट पे भी अगर मुझे कभी प्राइज मिलता या सर्टिफिकेट मिलता तो इस बात की खुशी होती थी कि आज घर जाऊंगी, पापा को दिखाऊंगी तो पापा बोलेंगे, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। चाहे खाना कच्चा हो, पका हो, गला हो, जैसा मर्जी हो, उन्होंने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं किया। दे से बिहाइंड एवरी इंडिपेंडेंट वुमन देयर इज अ फादर हु बिलीव्ड इन हर डॉटर एंड सपोर्टेड हर। माय डैड who himself was a top scorer in maths, never forced me to be one because he knew how much I used to hate it. उन्हें पता था कि मुझे maths बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कभी उन्होंने मुझे 90 plus marks लाने के लिए force भी नहीं किया। हमेशा मुझसे इतना कह देते थे, पास हो जाएगी ना, बहुत है। जिनको बचपन में सबसे ज्यादा तंग मैंने ही किया था और कभी कभार तो आज भी कर देता हूँ। मुझे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था लेकिन मैंने कभी ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी, पर मेरी इस ख्वाहिश का मेरे पापा को पता चल गया पर उन्होंने मेरे जन्मदिन पे मुझे क्रिकेट किट गिफ्ट दी। आज मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ, आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से हूँ। मेरे पापा मेरे सुपर हीरो हैं। जैसे फिल्मों में सुपर हीरो सबको हर मुश्किल से बचाता है, मेरे पापा ने भी मुझे हर मुश्किल से बचाया है और उससे लड़ने की हिम्मत दी है। आज भी अगर मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इफ आई एम गोइंग थ्रू सम इमोशनल स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, या कोई प्रोफेशनल इशू है, या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है आई एम फेसिंग, तो डैड इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनके पास मैं जाती हूँ और मुझे पता है वहाँ से मुझे हमेशा एक्सपर्ट सॉल्यूशन मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम का। 7 years अब्रॉड रहने के बावजूद पापा ने अपनी कभी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। बर्थडे पे सबसे पहली विश मुझे पापा की ही आई है, वो आज भी मेरा बर्थडे गिफ्ट कभी नहीं भूले। और हमारा बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का एक और भी कारण है, My birthday falls on 18th of July and dad का birthday on 19th of July. पर शादी के बाद शादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। मेरे फादर इन लॉ हर मोड पे मेरा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनकर मेरे साथ खड़े हैं। My dad is someone who always stands by my side. He's like, it's my daughter's decision. If she wants to get married, you know, I leave it up to her. उसने अपनी जिंदगी बितानी है, उसका डिसीजन है ये। अगर वो चाहती है, जिस टाइम पे वो चाहती है कि शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, उस टाइम पे आई विल गेट हर मैरिड, बट आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स हर। और पापा ने जो वो एक लाइन बोली, उस चीज़ ने मुझे ये दिखा दिया कि हाउ सपोर्टिव माई डैड इज। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। अगर मम्मी मुझे कभी डांट भी देती थी तो पापा हमेशा मेरी ही साइड लेते थे और मुझे बचा लेते थे। हमेशा कहा जाता है कि एक बेटे का एक माँ के साथ कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। जब भी मेरी मम्मा घर पे मुझे कोई काम देती है और मेरा उसको करने का मन नहीं होता तो मैं अपने पापा के पास चली जाती हूँ। तो उनको ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं उनकी छोटी लिटिल प्रिंसेस बन के रहूँ। मेरा एक बड़ा भाई भी है पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पापा मुझे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मॉम टेल्स मी व्हेन आई वाज बोर्न डैड वाज सुपर डिलाइटेड। और बात हो खाना पकाने की तो वो खुद मेरा साथ देते हैं और मेरा हाथ बटाते हैं। आज तक मैंने जो भी पापा से मांगा है, चाहे वो वीडियो गेम्स हो या कुछ भी हो, हमेशा उन्होंने मुझे लाकर ही दिया है। मेरा जितना कनेक्शन मेरी माँ के साथ स्ट्रॉन्ग है उतना ही कनेक्शन मेरे पापा के साथ भी है। मेरे पापा मेरी हर काम में हेल्प करते हैं। फैमिली में जब भी कभी कोई डिसीजन लेना हो तो पापा एक बार मेरी राय जरूर लेते हैं। मैंने कभी अपने पापा को इमोशनल होते हुए नहीं देखा था लेकिन जब मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी उनके हाथ में दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नाउ नॉर्मली वी हैव सीन कि जो हमारे फादर्स हैं वो जल्दी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते। हमारी मदर्स एक्सप्रेस कर देती हैं, वो हमें बता देती हैं कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं, बट डैड्स ऐसे नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मेरी इंटर्नशिप के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स गुजरात छोड़ने गए थे। तो जब वो मुझे वहाँ ड्रॉप करके मेरे साथ एक दो दिन रुके और जब उन्होंने वहाँ से निकलना था, जब वहाँ से वापस जाना था, मेरी मॉम तो रो ही रही थी पर मेरे डैड को मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रोते हुए देखा था। हमारे फादर्स हमारे लिए हमारे सुपर हीरोज़ हैं। उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पापा
मुझे कभी बताते नहीं हैं, मुझसे कभी कहते नहीं हैं, पर अंदर ही अंदर वो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम हर हफ्ते नई नई डिशेस बनाकर सबको खिलाते हैं। चाहे आज मैं कमा भी रहा हूँ, फिर भी अगर मैं उनसे कुछ मांगू तो आज भी मुझे ला कर देते हैं। माई डैड हैज़ ऑलवेज गिवन मी द फ्रीडम ऑफ चॉइस और मेरे डिसीजंस में उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मुझे बचपन से ही नई बुक से पढ़ने का बहुत शौक था। चाहे मेरे पास मेरे भाई की बुक्स अवेलेबल होती थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे नई बुक्स के साथ ही स्कूल भेजा है। They say father's tears and fears are unseen. His love is unexpressed and his care and protection remains with us as our pillar of strength throughout our lives. Dad, मुझे पता है कि आप मुझसे कभी भी नहीं कहते, आप कभी एक्सप्रेस नहीं करते, but I know how much you love me and I'll always be thankful to you for all the tiny little things that you do for me. जो भी आप मेरे लिए करते हैं, I'm super super blessed to have you in my life and you are a precious blessing. जी हाँ पापा, ये कुछ खास पंक्तियाँ आपके लिए। यूँ तो मैं हर बार अपनी दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पाता, लेकिन आज इस खास दिन पर यानी कि फादर्स डे पर मेरी तरफ से ये आपके लिए खास तोहफा। हैप्पी फादर्स डे। दोनों पापा को कहना चाहूंगी Happy Father's Day, both of you. Happy Father's Day, Papa. I love you, Papa. Thank you so much. Happy Father's Day. I love you, Papa. Happy Father's Day. I love you so much, Dad. And Happy Father's Day. I love you so much. Happy Father's Day.